सोनी लिव पिछले कुछ वक्त से बढ़िया कंटेंट के मामले में नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम जैसे बड़े खिलाड़ियों को कड़ी टक्कर दे रहा है। स्कैम 1992, रॉकेट बॉयज जैसे शोज इसके उदाहरण हैं। सोनी लिव की पॉपुलर हुई कई सीरीज में से एक है अनदेखी। इस शो का पहला सीजन जुलाई 2020 में रिलीज हुआ था, जिसे खूब पसंद किया गया। असल घटना से प्रेरित क्राइम थ्रिलर अनदेखी के सीजन 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ है। कैसा है नए सीजन का नया ट्रेलर, आइए बताते हैं। आगे सुनने से पहले जान लीजिए कि अगर आपने पहला सीजन नहीं देखा है तो आपको यहीं से लौट जाना है, आगे स्पॉइलर्स हैं। अनदेखी के पहले सीजन में दिखाया गया था कि बंगाल के सुंदरबन में एक पुलिस वाले की हत्या हो गई है। केस की छानबीन कर रहे डीएसपी घोष को पता चलता है कि इसमें जंगल में रहने वाली दो ट्राइबल लड़कियों का हाथ है, वो उन्हें खोजने लगते हैं। डीएसपी साहब की ये इन्वेस्टिगेशन उन्हें सुंदरबन से मनाली लेकर जाती है। मनाली के एक रिजॉर्ट में अटवाल और गरेवाल नाम की दो बड़ी पंजाबी फैमिलीज के बच्चों की शादी हो रही है। यहाँ की स्टैग पार्टी में एक डांसर लड़की का कत्ल हो जाता है। कत्ल करते हैं अटवाल फैमिली के हेड पापा जी। ये मर्डर वेडिंग फिल्म बनाने वाली टीम के एक लड़के ऋषि के कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। अगले दिन रिजॉर्ट का माहौल इतना नॉर्मल है जैसे कल रात क्या हुआ किसी को याद ही नहीं। ये सब देखकर ऋषि अपनी टीम यानी दोस्तों के मना करने के बावजूद पुलिस में चला जाता है, लेकिन पुलिस और पापा जी के बीच उनका भतीजा रिंकू दीवार बनकर खड़ा हो जाता है और सारे गवाहों और सबूतों को खत्म करने लगता है। सीजन 2 में ये कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। रिंकू कसम खा के बैठा है कि वो इस मामले की चश्मदीद कोयल को भी मार देगा ताकि डीएसपी को पापा जी के खिलाफ कोई सबूत न मिल पाए। ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि पिछले सीजन की तरह इस बार भी मेकर्स ने थ्रिल और ह्यूमर को बरकरार रखा है। इस बार लड़ाई एक तरफा की बजाय दो तरफा हो गई है। पिछले सीजन में जहां कोयल सिर्फ अपनी जान बचाने को भाग रही थी, इस बार वो अपने दोस्त की मदद से अटवाल परिवार के खिलाफ बदला लेने का प्रण ले चुकी है। कहानी में कुछ नए किरदार भी जोड़े गए हैं जो शो को आगे ले जाएंगे। पुराने किरदारों से तो आप वाकिफ हैं ही। शराब के नशे में 24/7 रहने वाले पापा जी के रोल में हर्ष छाया है, जो एक बार फिर वो सभी हरकतें आपको स्क्रीन पर करते हुए दिखेंगे, जिससे आप उनके प्रति अलग ही चिढ़ महसूस करेंगे। डीएसपी घोष के किरदार में दिव्येंदु भट्टाचार्य इस बार भी केस की छानबीन करने के दौरान हेक्टिक सिचुएशन में अपनी कॉमिक अप्रोच से आपको हंसाएंगे। पापा जी को बचाने की कसम खा के बैठे रिंकू पाजी के किरदार में सूर्या सिंह दोबारा डीएसपी और पापा जी के बीच दीवार बनकर खड़े नजर आएंगे। इस बार शो में सुपर 30 में ऋतिक रोशन के भाई का रोल करने वाले नंदिश संधू की भी एंट्री हुई है। वो किस रोल में है ये अभी साफ नहीं हुआ है। इनके अलावा बदमाश कंपनी वाले मियांग चैंग भी इस नए सीजन में नजर आएंगे। अनदेखी के क्रिएटर हैं सिद्धार्थ सेन गुप्ता। ये इससे पहले ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज अपहरण और कलर्स का फेमस टीवी शो बालिका वधु भी डायरेक्ट कर चुके हैं। अनदेखी को सिद्धार्थ ने उमेश पाडलकर, मोहिंदर प्रताप सिंह और वरुण बडोला के साथ मिलकर लिखा है। शो को आशीष आर शुक्ला ने डायरेक्ट किया है, जो शो से पहले संजय मिश्रा की फिल्म बहुत हुआ सम्मान को डायरेक्ट कर चुके हैं। अनदेखी 4 मार्च को सोनी लिव पर रिलीज हो जाएगी। ट्रेलर से तो ये सीजन भी रोमांचक ही लग रहा है। सटीक आंकलन सीरीज आने पर हम रिव्यू में आपको दे ही देंगे। आपके लिए स्टोरी लिखी थी हमारे साथी शुभम ने। देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।